यशोधरा पुलिस को मिली गुप्त जानकारी के आधार पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से घातक शस्त्र बरामद किए गए हैं, जिसमें लोहे की तलवार, लोहे के रॉड और पाइप, चाइनीज चाकू, सफेद रंग की रस्सी, साथ ही मिर्च पाउडर, ऐसे कुल 1,260 रुपए का मुद्देमाल जब्त कर आरोपियों पर आर्म्स एक्ट के तहत गुनाह दर्ज किया गया है। ऐसी जानकारी वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक अशोक मेश्राम द्वारा दी गई है। यशोधरा पुलिस को गुप्त जानकारी मिली कि प्रवेश नगर के समता गार्डन के पास घातक शस्त्रों के साथ कुछ अज्ञात लोग देखे गए। इसी जानकारी के आधार पर चाल बिछाकर पुलिस ने आरोपियों को धर दबोचा, जिसमें 5 आरोपी पुलिस की हिरासत में लिए गए हैं। आरोपियों के पास से डकैती का सामान जब्त किया गया, जिसमें लोहे की तलवार, लोहे की पाइप, रॉड, चाइनीज चाकू के साथ साथ कुल 1,260 रुपए का मुद्देमाल जब्त किया गया। यामध्ये असं आहे की रात्री 12:30 वाजताच्या दरम्यान आमचे PSI दराडे आणि त्याच्या टीमला माहिती मिळाली की काही संशयित जे आहे ते घातक शस्त्रांसह समता मैदान आहे प्रवेशनगरचं त्या एरियामध्ये फिरत आहेत अशी गुप्त माहिती मिळाली। त्या माहितीची आम्ही खात्री केली। खात्री केल्यानंतर आम्ही 3 टीमसह त्या ठिकाणी सापळा रचला। सापळा रचून त्या वैद पंचासह त्या ठिकाणी गेलो आणि त्यांना मोठ्या सीतापिनी ताब्यात घेतलं। 2 आरोपींनी पळण्याचा प्रयत्न केला, पण त्यांना पण आम्ही त्यांना पकडलं। असे यामध्ये 5 आरोपी आम्हाला मिळाले। त्यांची अंगझडती घेतली, तर अंगझडतीमध्ये एकाकडे तलवार, एकाकडे चाकू, एकाकडे लोखंडी रॉड, एकाकडे लोखंडी पाईप आणि इतर मिरची पावडर असं साहित्य मिळालं। त्यांच्याकडनं हे आम्ही सर्व घातक शस्त्र जप्त केले आणि त्यानंतर त्यांना पुष्टीकरण त्यांचे गुन्हे अभिलेख तपासले असता हे सर्व बॉडी ऑफेंडर्स आहेत आणि त्यामध्ये एक प्रॉपर्टी ऑफेंडर्स आहेत। यांच्यावर आम्ही कलम 399, 402 IPC, त्याचप्रमाणे 425 RMAG आणि 135 BPAT-प्रमाणे कारवाई केलेली आहे। सर्व आरोपींना आम्ही अटक केलेली आहे आणि पुढील तपास करीत आहोत। पुलिस ने सभी 5 आरोपियों को हिरासत में लेकर आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आगे की जांच कर रही है। कैमरा पर्सन माइकल के साथ क्षितिजा देशमुख, BCN News, नागपुर।